राधे को चाहते हैं, चूंकि ये कर्म योनि है।
और केवल पांच चीजें निश्चित होती हैं, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो पांच चीजें जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाती हैं, आयु कर्म यानी भाग्य, विद्या निधन माने मृत्यु, आयु कर्म च वित्तं च विद्या धन, आयु कर्म माने भाग, वित्तन माने धन, निधन माने मृत्यु, आयु कर्म च वित्तन च विद्या निधन मेव च और विद्या, ये पांच चीजें जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाती है, इन्हें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। तो ये भाग्य का सहारा नहीं लेना है हमें। मैंने बताया ना दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होते जिन्हें कुछ करना नहीं है वो ये कहते हैं जी भाग्य में होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं, ये मानव देह कर्म प्रधान है, हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, पुरुषार्थ करने का अधिकार प्राप्त है, तो हम कर्म कर सकते हैं। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किया उसी को इस जन्म में भाग्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं, लक कहते हैं। ये तकदीर लक या भाग्य कहीं आसमान से नहीं टपका, यो समझिए दोनों चीज एक ही है। मैं बता रही हूँ, मान लीजिए कोई लड़की है और उसका नाम है मिस उर्मिला गुप्ता। अब उस लड़की की शादी हो गई, उसके पति की पति का सरनेम सेठ है, तो अब उसका नाम क्या हो गया, शादी के नाम मिसेस उर्मिला सेठ हो गया। अब एक लेटर आता है उसमें उसकी सहेली का, उसमें लिखा होता है उर्मिला गुप्ता। तो अब चिट्ठी खोली तो एड्रेस लिखा हुआ देखा, अरे ये तो उर्मिला सेठ है, इसमें तो उर्मिला गुप्ता लिखा है। अरे बताया, अरे शादी से पहले इनका सरनेम गुप्ता हुआ करता था, अब शादी के बाद इनके पति का सरनेम सेठ है, तो ये मिसेस उर्मिला सेठ है। ये लड़की एक ही है, वो लड़की एक ही है, केवल उसका शादी के बाद सरनेम बदल गया, लड़की नहीं बदली। जैसे यूं भी समझ लीजिए और भी सरल प्रकार से, मान लीजिए हम महाराष्ट्र से किसी ने हाई स्कूल पास किया, अब उसके पापा का ट्रांसफर पंजाब में हो गया, अब वहां वो गए और वहां वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए गए कॉलेज में, इंटर में। अब दिखाया कि हम महाराष्ट्र से, नागपुर से, हमने इस कॉलेज से हाई स्कूल पास किया है, अब हमारा 11th में एडमिशन लेना है। तो 10th की जो आपकी मार्कशीट देखी पंजाब के किसी कॉलेज में, तो उसने ये मान लिया कि आपने नागपुर से हाई स्कूल पास किया है और 11th में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब कोई ये कहे कि भाई तुमने यहाँ से तो हाई स्कूल पास किया नहीं, हम तुमको एडमिशन नहीं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर किसी ने हाई स्कूल पास किया है तो कहीं पर भी जाकर वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है, वो बदलेगा नहीं कानून। ठीक इसी प्रकार जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किया है उसी को अगले जन्म में भाग्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं, लक कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं जो भाग्य में होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये भी हमारी शरणागति में बाधक है।